जिला बरेली के नवाबगंज में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुनील कुमार चित्तौड़ के प्रथम आगमन पर काफी संख्या में इकट्ठा होकर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष ऋषिपाल, बरेली मंडल प्रभारी इंतजार अहमद कादरी, राजेंद्र गुर्जर, अजय प्रधान व बरेली जिलाध्यक्ष अच्छन अंसारी का भी फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह का कार्यक्रम उमेंद्र देव आर्य एडवोकेट के नेतृत्व में किया गया, जिसका संचालन कथावाचक नानक चंद शर्मा ने किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी सुनील कुमार चित्तौड़ ने पुलिस द्वारा किए गए नगर के अधिवक्ताओं पर फर्जी मुकदमों पर गहरा रोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों द्वारा अगर शीघ्र निस्तारण नहीं किया गया तो भीम आर्मी कार्यकर्ता पुलिस को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। इस मौके पर कई अधिवक्ता मौजूद रहे। मंच एवं उपस्थित हमारे सभी अधिवक्ता बंधु पदाधिकारीगण, क्या नाम आपका? एडवोकेट रविंद्र भाटी। नवाबगंज में जैसा कि हमें सूचना मिली कि हमारे भीम आर्मी के जो जिम्मेदार साथी हैं, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर हमारे कुछ सीनियर अधिवक्ताओं के साथ किसी सरकार लगा लीजिए या प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी या अपने हिटलर साई के कारण उन्होंने FIR दर्ज की थी। उसके खिलाफ भीम आर्मी ने और आजाद समाज पार्टी ने आवाज़ उठाई थी और तो उस पर वो FIR वापस ली गई और आगे यदि हमारे अधिवक्ता पे या किसी भी विभाग पर किसी तरह का शोषण या जो इस तरह की कार्रवाई होती है तो आजाद समाज पार्टी पूरी तरह नवाबगंज की बार एसोसिएशन के साथ और हमारे अधिवक्ता समूह के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। जिस तरह से कानून व्यवस्था मिल रही है, क्या लगता है? कानून व्यवस्था पूरे देश में और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो फेल हो चुकी है। आप देख लीजिए कल कुरुक्षेत्र में निहत्ते किसानों पर खट्टर सरकार द्वारा किस तरह लाठियां बरसाई गई। देश का अंधा था, कोरोना जैसी महामारी में भी देश के लिए अन्न उगाने का काम कर रहा है, जिससे पूरे देश का चूल्हा जलता है, हर नागरिक का चूल्हा जलता है, जब उनको ही बख्शा नहीं जा रहा। चाहे कहीं कोई यदि अपनी बात उठाने जाता है तो उस पर मुकदमा लगा दिया जाता है। यदि कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी जो बाबा साहब ने संविधान के द्वारा हमें दी है, यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो देश की तो इसमें लोकतंत्र कहाँ बचेगा। कोई यदि आवाज़ उठाता है इनकी तानाशाही के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, इनके गलत फैसलों के खिलाफ, तो उसे NSA लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर काफिल पर NSA लगाया। यदि कोई और बोलता है तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। और ये जो पूरी तरह प्रदेश सरकार चलाने में नाकाम है, इनके एजेंडे में गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े इसमें है ही नहीं। ये धन्ना सेठों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है और एक वर्ग विशेष के लिए कार्य कर रही है। क्या लगता है आप यदि GDP देखें, आज GDP में भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, डीजल पेट्रोल में भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आप बता दीजिए, पूरे देश को इन्होंने बेच दिया है, सारी संस्थाओं को इन्होंने बेच दिया है। किसी पंसारी की दुकान की तरह कोई चीज़ यदि बची हो, रेलवे बची हो, एयर इंडिया बची हो या आपकी इंश्योरेंस की कंपनियाँ बची हो, मुझे ये बता दीजिए, आपके एयरपोर्ट तक कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो इन्होंने ना बेची हो। और देश में जो माहौल है, अर्थव्यवस्था है, कितनी नीचे जा चुकी है। बेरोजगार आज गलियों में निकल निकल कर थाली थाली बजा रहे हैं और अपनी आवाज़ को थाली और ताली के द्वारा प्रदेश और केंद्र की सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार दिन प्रतिदिन रोजगार छीनने का काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, लेकिन इन्होंने 2 करोड़ की जगह 10 करोड़ से ऊपर इन्होंने रोजगार छीन लिए हैं। मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको आज़ादी नहीं है अपनी बात कहने की। आज रेलवे के यदि देखे जाएं, रेलवे के लाखों कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको मीडिया पर, चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा है। तो इन्होंने संविधान के साथ साथ देश के लोकतंत्र पर भी बहुत बड़ा खतरा है इस सरकार में। और आजाद समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरे सड़क पर से लेकर और संसद तक पूरी मजबूती से लड़ाई को लड़ेंगे। माननीय साहब ने कहा था कि जब बहुमत सरकार में ना हो तो सड़कों पर बहुमत होना चाहिए। आज 85% देश के लोग सड़कों पर इनकी निजीकरण के खिलाफ, इनकी महंगाई के खिलाफ, इनकी जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसके खिलाफ पूरी मजबूती के साथ अपनी आवाज़ उठाएंगे और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे।
एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।